गाइस ट्रेन खाली है फिर भी देखो लोग कैसे आएंगे। देखो 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 भाई चढ़ा। ओए ओए ओरे बाप रे। हाय गाइस वेलकम टू माय व्लॉग्स। एंड गाइस यार आप लोग ना देखो वीडियो तो देखते हो लेकिन तुम लोग लाइक इतना कम करते हो, कमेंट इतना कम करते हो और सब्सक्राइब तो तुम लोग करते ही नहीं। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है यार, छे पता नहीं, बट ठीक है मैं आपके लिए व्लॉग तो बनाते रहूँगा। तो हाँ गाइस पिछले वीडियो में मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि आप मुंबई लोकल के क्राउड पे वीडियो बनाओ भी पी कार में। तो आज मैं निकल पड़ा हूँ लेकिन ये मैं छाते के अंदर क्यों हूँ, मैं छाते के अंदर इसलिए हूँ बिकॉज मुंबई डूबने वाली है थोड़े टाइम में, बिकॉज यहाँ पे 2-3 दिन से बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है। लेकिन फिर भी व्लॉग बना रहा हूँ गाइस। देखो यार मेहनत तो देखो, बट स्टिल तुम लोग को सब्सक्राइब करने में क्या तकलीफ होती है। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, बहुत सारे कमेंट करो। ऑटो बोरीवली स्टेशन, हाँ तो हमेशा की तरह अब मेरे को बोरीवली स्टेशन जाना है पहले। एंड मेरा कैमरा भीग रहा है, मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं। तो अभी हम बोरीवली स्टेशन के लिए पहले ऑटो लेंगे एंड वहाँ से फिर आपको दिखाऊंगा मुंबई लोकल का हालत क्या है ना। तो चलो बारिश एंजॉय करते करते मेरा कैमरा भिगाते भिगाते चलते बोरीवली स्टेशन। भाई बोरीवली स्टेशन चलोगे? तो अंकल भी बात करने में बिजी है लेकिन इनको चलना नहीं है। काय बोला इच्छा था ऑटो ऑटो यार बारिश में, एक तो बारिश ऊपर से ये ऑटो ऑटो ऑटो। अंकल बोरीवली स्टेशन आज चला चलोगे भैया? अरे वाह ऐसे लोग और चाहिए हमें दुनिया में जो हाँ बोले। छाता बंद। अरे भैया चलो भैया, बाप रे सो मच ऑफ बारिश इन मुंबई। क्या भैया मुंबई में तो हालत खराब हो रहा है ना? नहीं रास्ता हो रहा है अभी बारिश उधर हुआ। हाँ वो तो है, बारिश कम हुआ है गाइस। 3 दिन से बारिश हो रही है, आ रही है जा रही है बारिश, लेकिन कंपेरेटिवली अभी तक मुंबई में कड़क बारिश हुई नहीं है। बिकॉज मुंबई की बारिश ऐसी होती है ना कि जब तक मुंबई डूबे ना, क्या बोलते अंकल, हाँ जब तक मुंबई डूबे ना तब तक यहाँ पे पता नहीं चलता है कि बारिश हुई है। तो गाइस मुंबई की ये प्रॉब्लम है ना कि यहाँ के ड्रेनेज सिस्टम मेरे को समझ में नहीं आते। वो क्या होता है ना, मुंबई हर साल बारिश आती है, हर साल भीगता है डूबता है, हर साल मुंबई डूबता है, लेकिन यहाँ का BMC क्या करता है पता नहीं, है ना अंकल? यहाँ का BMC क्या करता है पता नहीं, जबकि हमको भी पता है कि अभी बारिश आने वाली है, मुंबई डूबने वाली है, लेकिन इनको ठीक करने के कदाली क्या करते हैं लोग यार। तो गाइस अभी मैं बोरीवली स्टेशन जा रहा हूँ, वहाँ पे जाके आपको मिलता हूँ। चलो चला पैदल। चलो थैंक यू अंकल। तो गाइस मेरे साथ अभी क्या हुआ पता है, मैंने टिकट तो घर से ऑनलाइन निकाल लिया था लेकिन हमेशा की तरह घाई में था मैं, तो मैंने क्या किया कांदिवली टू बांद्रा निकाल दिया और मेरे को आना था बोरीवली। एंड अब मैं सोच रहा हूँ टिकट निकालूँ कि नहीं, बिकॉज लाइन है काफ़ी लाइन है, बट टिकट निकालना ज़रूरी है बिकॉज हम शूट वूट भी करने वाले, तो अगर उसमें पकड़े गए तो दोनों का चार्ज मारेगा मेरे को, टिकट का भी और कैमरे का भी। तो अभी लाइन में खड़े रहते चलो, क्योंकि आज हमारा फर्स्ट क्लास का टिकट नहीं है तो हमको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। फर्स्ट क्लास का टिकट होता तो डायरेक्ट काउंटर पे जा सकते हम। यार गाइस बारिश में शूट करना ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो हमने अपना टिकट ले लिया है, तभी हम जाएंगे ट्रेन में मुंबई लोकल। गाइस आप लोग देखना चाहते हो कि प्लेटफॉर्म कितना पैक है, ये देखो।
इमेजिन अभी यहाँ पर ट्रेन आएगी, तो एक ट्रेन में भरने के लिए इतने सारे लोग हैं, तो जस्ट इमेजिन कैसे मैनेज करते होंगे सब लोग चढ़ना। दिखाता हूँ ना आपको कैसे चढ़ते। बट स्टिल यार बहुत बेकार लाइफ है मुंबई की, अगर मुंबई लोकल को देखा जाए तो। एंड ऑल्सो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका रोज़ का ट्रैवलिंग होता है, उनको ऑफिस जाना होता है ऐसे हालत में। एंड ये देखो यहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो ऐसी हरकतें भी करते हैं। ये देखो अब ये लोग को पता चल गया कि ये साइड बहुत भीड़ है, तो इन्होंने सोचा हम लोग ये साइड खड़े हो जाएंगे एंड ऑपोजिट साइड से ट्रेन में चढ़ जाएंगे। बट इनको कौन समझाएगा कि वो कितना ज़्यादा रिस्की हो सकता है वो लोग के लिए। गाइस अभी ट्रेन आने वाली है शायद से, तो हम नीचे से देखते हैं, हम अभी नीचे से लेते हैं और नीचे से आपको बताऊंगा कि कैसे चढ़ते हैं लोग। देखो बाप रे यहाँ पे तो मेरे को चलने को भी जगह नहीं है। अरे यार गाइस ट्रेन आ गई। अरे यार मैंने मिस कर दिया, नीचे मैं पहुंच ही नहीं पाया अभी तक, ट्रेन आ गई। कोई बात नहीं, हर दो दो मिनट में ट्रेन आती है, नेक्स्ट ट्रेन में दिखाऊंगा। ये देखो गाइस देखा गाइस, आपने देखा ये लेडीज कंपार्टमेंट था एंड यहाँ पर जेंट्स है। देखो यहाँ पे आप नोटिस करोगे तो देखो कैसे लटक लटक के जा रहे थे। जैसे इमेजिन अगर किसी का एक हाथ स्लिप हुआ रास्ते में क्या होगा। एंड ये पूरी ट्रेन ऐसे पैक है, पूरी ट्रेन। डर लग रहा है ना देख के, तो अभी सोचो इमेजिन करो मेरे को ऐसे ट्रेन में जाना है कैसे जाऊंगा यार, मेरे को तो आदत ही नहीं है। चलो ट्राई करेंगे आप लोग के लिए, लेट्स सी क्या होता है। आपको पूरा प्लेटफॉर्म का गोप्रो व्यू देता हूँ ना भाई। अभी एक लोकल गई, अभी दूसरी लोकल आने तक देखो भीड़। बाप रे एक और आई। बहुत बेकार हालत है, बहुत बेकार हालत है। अब नेक्स्ट वाली में हम जाएंगे, देखते पूछ पाते हैं कि नहीं। कैसे 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 होगा, चलो हो जाएगा कोई नहीं, ऐसे ना कैसे मैनेज कर लेंगे, है ना। बहुत खतरनाक है भाई मुंबई का लोकल, आपको बोला था मैंने। तो गाइस मैं अभी अपना गोप्रो तैयार कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को अंदर घुसना है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा ख़राब होए या मेरा गोप्रो टूटे, तो मैं ये कुछ अलग चीज़ लेके आया हूँ। वैसे तो ये हेड माउंट है, इसको हेड माउंट बोलते हैं, ये सर पे लगाते हैं इसको, बट आज मैं इसको हाथ में डालने वाला हूँ ताकि हमारा गोप्रो तो सेफ रहे कम से कम। इतने भीड़ में क्या होता ना गाइस, पता भी नहीं चलता है कि आपका कब क्या हो गया, तो हम इसको ऐसे लेके जाएंगे अंदर और ये बांधा हुआ रहेगा ताकि ऐसे छूट भी गया तो। चलो अभी नेक्स्ट ट्रेन आ रही है उसके लिए जाएंगे बराबर, चलो 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 चलो। और एक चीज़, अगर कोई चर्च गेट से आ रहा है ना पीकाज में, तो आई सजेस्ट कि विरार में कभी मत आना, क्योंकि उसका बहुत खौफ है सबके मन में कि विरार वाले बोरीवली में उतरने नहीं देते किसी को, मैंने ऐसे सुना है। इसको क्या हो गया? तो गाइस 9:48 की हमारी नेक्स्ट है चर्च गेट लोकल, फास्ट। एंड फास्ट में हमेशा बहुत ज़्यादा रश होता है एंड मैं कुछ ज़्यादा ही परेशान हूँ भैया। मैं लोकल ट्रेन में पहली बार चढ़ रहा हूँ, चढ़ पाऊँगा कि नहीं ये टाइम पे? चढ़ जाओगे, अभी ड्यूटी का टाइम है ना, बहुत ज़्यादा रश का टाइम है ना अभी।
आराम से जाना, नहीं तो बाद में जाना और क्या है, से चढ़ो तो चढ़ो। चलो देखते हैं। बेसिकली मेन रूल चढ़ने का ये होता है कि तुम ना सबसे आगे जाके खड़े हो जाओ तो तुमको अंदर लेके जाएंगे अपने आप। एंड बाहर उतरने का रूल ये होता है कि आप गेट पे खड़े हो जाओ आपको बाहर खुद लेके आ जाते हैं सब लोग। अरे गाइस आ गई, तो आपको चढ़ना होगा ना तो कभी भी बैग भाई के जैसे आगे रख लेने का, ये आगे रखोगे तो आपका बैग एटलीस्ट सेफ रहेगा। जंग के लिए तैयार। ओहो अभी से धक्का धक्की चालू हो गया। चलो 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 चलो। अरे रे 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 अरे रे रे अरे भाई भाई मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी हूँ मैं भी। अरे भाई अच्छा था नॉट बैड, इतना ज़्यादा गर्दी नहीं मिला है ना अंकल, इतना ज़्यादा नहीं मिला, वरना पिछले ट्रेन की हालत देख के तो ये तो काफ़ी खाली है, ये तो समझो पूरी खाली है ना। हमें एसी सीट मिल गई है, तो ये देखो ये रिस्की है, ये रिस्की है गाइस, ये रिस्की है। कितना कितना आनंद ले रहे अंकल देखो। ऐसा मत किया करो अंकल, जान है तो जान है, ट्रेन तो आते रहेगी। ये देखो अबे कितना लेट गाड़ी कर दे, डेली का गाड़ी हम लोग का। अरे क्या है गाइस, बोला अच्छा था। हाँ गाइस आई सजेस्ट कि यहाँ पे खड़ा मत रहा करो, चुपचाप अंदर जाके बैठ जाया करो, बट मेरे को थोड़ा पास में जाना है। भैया क्यों करते हो ऐसे, ये उड़ 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 के कलाकारी का है। नहीं आएगा तो कैसा जाएगा। है देखो ऐसा नहीं भैया, बनाए हुए उधर। अरे दूसरी ट्रेन आएगी भैया, हमारे लिए बोलना आसान है गाइस, लेकिन जो डेली आता है ना उनको पता होता है कि टाइम की कीमत क्या होती है ना। हम तो ऐसे एक दिन आ गए, एक दिन के लिए आए तो हम ज्ञान लेट हो गया। 9:48 का ट्रेन है, लेट हो गया। हम तो एक दिन के बताओ कितना गवर्नमेंट परेशान, क्या करेगा अपना गवर्नमेंट यार। तो वो तो हम एक दिन के लिए आए तो ऐसा ज्ञान देना ज्यादा आसान होता है, बट डेली आओ तो पता चलेगा। सही बात है, तो चले गए गाड़ी में सब। हाँ इसके पहले वाला पूरा भर के गया, भर के गया। इसके लिए खाली दिख रहा है। वही वही टाइम से आता तो मालूम पड़ता कितना यहाँ जो आराम से ये हाथ हिला के रखे हो ना वो भी नहीं निकला। ये सही बोला, ये देखो। कहा भैया बारिश का आनंद ले रहे थे। ये ट्रेन काफी लेट चल रही है गाइस, बहुत लेट, लेट चलती रही, लेट आज हो गई है, आज हो गई है। गाइस मुंबई में बारिश होती है तो यूजुअली ट्रेन लेट ही हो जाती है, एंड और ज़्यादा बारिश हो जाती है तो ट्रेन बंद हो जाती है। जब से फोन निकालने में भारी पड़ता है, कितना आदमी गिरते हैं फिर भी नहीं छोड़ते उसको। लोग बोलते ना भाई जिंदगी रहेगा, पहले सेठ को समझाओ कि जिंदगी रहेगा तो तुम्हारे पास वर्कर रहेगा। तो गाइस भाई लोग मेरे को बोल रहे कि अगर आपको मेन रश देखना है ना तो जाओ नाला सुपारा स्टेशन। नाला सुपारा स्टेशन में बहुत ज्यादा रश होता है सुबह और शाम के टाइम, किधर से भी देख सकते हो नजारा, विरार वाली गाड़ी का, इधर से विरार वाली गाड़ी। और अगर आपको ज्यादा ही कुछ एक्सपीरियंस करना है तो चर्च गेट से बोरीवली में उतार के दिखाओ विरार वाली ट्रेन में। गांधी वाली मलाड में उतर के दिखा दो। हाँ विरार वाली ट्रेन से कोई उतरने ही नहीं देता है आपको, ऐसे दरवाजे चढ़ने भी नहीं देता, ऐसे पैक करके बैठ जाते सब। कोई भूल से अगर बोल दे कि बोरी वाली का आदमी हूँ मैं, उतरने दो तो तो बोलेगा चल मीरा। इतने लेट होने के बाद भी ट्रेन यहाँ पे आके रुक गई है, क्या ना बीच बीच में मोटर मैन को लगता है पेशाब वेशाब लगते रहता है। पेशाब वेशाब लगता है तो मैंने शौचालय बना के दिया उसको। हाँ तो बीच में ऐसे रोकते रहता है कहीं कहीं में, आजू बाजू में कहीं चाय पानी का दिखा ना दुकान तो वहाँ तो रोक देते। बारिश का मौसम चाय पकोड़े खाता है वो कहीं में। और ये हर साल का है, सबको पता है मुंबई भरने वाला है। हाँ। हमको भी पता है, गवर्नमेंट को भी पता है, पर फिर भी अब पैसा इशू करता है गवर्नमेंट। हाँ। फिर भी आपको ये हालत हो जाता है, कोई ऑप्शन नहीं, घूमने लगा दो, ऑप्शन चाहिए पता नहीं दिया तो उसका हिसाब मांगो, अगर भरा क्यों है
उसका रीजन मांगो। गाइस ट्रेन खाली है फिर भी देखो लोग कैसे आएंगे। देखो 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 गाइस चढ़ा। ओए ओए अरे अरे बाप रे। अरे अरे बाप इधर से नहीं एक तरफ से एक तरफ से एक साइड वन साइड। चलो भाई आराम से चलो एक एक करके आराम से भाई आराम से। बहुत जगह है भाई। अरे अरे अपन हम भी अंदर ही जाते हैं भाई। नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। अरे बाप रे वहाँ पे मेरा बैग लेके जाएंगे। अरे बाप रे तैयारी कर रहा है। अरे मीटिंग कब से ले रहा है। हाँ अरे बाप रे मेरे को मैं तो दरवाजे से खींच के अंदर लेके आ गया। देखो गाइस अब भीड़ बढ़ना चालू हो गई। तब से तो खाली लग रहा था थोड़ा। कितना ट्रेन भाई अपना 10 ट्रेन छोड़ के आए। देखो आजकल हर कोई फोन पे लगा रहता है। क्या हो गया दुनिया को भाई। कितने सारे उदाहरण तो यही दिख गए हमें। एग्जाम्पल्स अभी हमने कांदिवली पास किया। अभी मलाड आने वाला है। शायद वहाँ से और भीड़ बढ़ जाए। अंधेरी से और आएगा। गाइस इमेजिन अगर आपको रोज़ ये ट्रैवलिंग करके ऑफिस जाना पड़े और फिर वहाँ पे बॉस की गाली सुनो तो घर पे आके तो आप इरिटेट हो ही जाओगे ना। बच्चों को कहाँ टाइम दोगे। सही बात है ना यार। मुंबई की लाइफ थोड़ा हेक्टिक है। दिल्ली वेली में लोकल्स में इतना ज़्यादा भीड़ नहीं होता। अरे भाई की हालत देखो कैसे कैसे जाके जगह मिला है लेकिन उसमें भी इनके सर के ऊपर। अरे रे रे झगड़ा मत करो भाई। मैं बोलूँ जेंट्स में कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छा होता है बिकॉज लेडीज़ में तो चाँव 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 होता है ना। मैं जब बचपन में था तब लेडीज़ में गया था तो मेरे को पता है उधर बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। जेंट्स में इतना नहीं होता। एंड अब गर्मी होना चालू हो गए। जितना ज़्यादा लोग आएंगे उतना ज़्यादा गर्मी। फैन है लेकिन इसका कुछ मतलब नहीं। ट्रेन का सफ़र इतना लंबा होता है कि काफ़ी लोग नींद का आनंद लेते हैं। अंकल मेरे को बात सुन के उठ गए। कोई नहीं अंकल सोए रहो। कोई बात नहीं भाई को तो फर्क नहीं है जागा। भाई आप लोगों को लग रहा होगा ट्रेन भर गई है लेकिन एक चीज़ नोटिस करना हर प्लेटफॉर्म में लोग आते रहेंगे अंदर भले जितना भर जाए लेकिन अंदर आते रहेंगे क्योंकि थोड़े बहुत निकलते हैं लेकिन डबल भरते रहते हैं। अब मेरा सब्र का बांध फूट रहा है। बहुत हो गया आजकल। अंकल हंसे जा रहे थे आपसे। क्या हो गया अंकल आप कहाँ जा रहे हो अंकल। चर्चगेट। आप बोरीवली से आए। बोरीवली से। रोज का है आपका। यस मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे गाइस सोचो तो आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो कभी कुछ एक्सपीरियंस आपका भी ऐसे। बॉम्बे की लाइफ लाइन है ट्रेन। हाँ और जो हमारा मैकेनिज्म है माइंड वो इस तरह का बन चुका है। सही बात है। टॉनिक्राम मिले तो हॉर्स उसकी लगती है। घर से निकल जाओ यही फुर्ती है। सही बात है। सो मॉर्निंग एक्सरसाइज यहीं पे होती है। यहीं पे एक्सरसाइज होता है। चलो सही है थैंक यू। उसकी गाड़ी घर के नीचे खड़ी है। हाँ। ले जाओ तो 4 घंटे लगते हैं। डेढ़ घंटे में पहुंच जाते हैं। गाइस मुंबई में लोकल में ट्रैवल करने का मेन रीज़न यही होता है कि टाइम बहुत बचाता है आपका। बिकॉज अगर आपको चर्च गेट ये टाइम पे अगर पीक आवर्स पे अगर आप चर्च गेट जाओगे आपको कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। वहीं लोकल ट्रेन आपको 1 घंटे में पहुंचाती है तो मोस्टली लोग यही प्रीफर करते हैं। भले थोड़ा खड़े रह के जाओ कैसे भी जाओ बट ठीक है ना। सब अपने भाई लोग ही है साथ में धक्का मुक्की करके कैसे भी जाओ। ये भाई तो कब से फ़ोन में लगा हुआ है भाई। क्या है ये देखना भाई। क्या व्हाट्सएप कितना भाई। लाइन बंद है तो क्या करना है। मुंबई में भारी बारिश होते हुए पानी भर रहा है और सबको अपडेट मिल रहा है अपने फ़ोन में। सो गाइस अभी बांद्रा आने वाला है और मैं अंदर ही खड़ा हूँ। बाहर नहीं गया तो मेरे को उतरने नहीं मिलेगा भैया। चलो थैंक यू। चलो सी चलो सी चलो ओह अरे बाप रे। अरे देख रहे हो आड़ा टेढ़ा खड़े रहने का कैसा भी आने का। बस पहुंचना है हमको अपने जगह पे।
एंड भैया से अभी अपना चैनल सब्सक्राइब करवाया पर भैया का नेट चल नहीं रहा है। भैया का सब्सक्राइबर बढ़ाने का ये एक ट्रिक होता है, जहाँ जाओ अपना प्रमोशन करते करते जाओ करते करते जाओ। एंड अब मैं थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो गया हूँ, कोई नहीं। अरे बाप रे, कैसा रहूँ क्या अंकल, क्या बोलता तुम्हें? तुम्हारा लाज वाटते आ गया। बैंड्रा आ गया, भागो। चलो अरे रुका नहीं है ट्रेन रुकने का तो कोई वेट ही नहीं करता है। नहीं नहीं भाई, ऐसा ही रहता है। तो गाइस एक जंग तो हमने जीत ली। हाँ गाइस, मुंबई की लोकल ट्रेन में चढ़ना एंड उतरना इज लाइक गोइंग टू अ वॉर, और वो वॉर हमने जीत चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम चलेंगे ऑफिस की तरफ अपने। तो गाइस बांद्रा स्टेशन पे हूँ एंड ये देखो भीड़। ये पूरा स्टेशन भी पैक है। तो गाइस ऐसे कोई ट्रेन नहीं है जो खाली जाती है, इमेजिन करो पूरे दिन भर में। एंड अभी ये 2 घंटे ये 11-12 बजे तक होगा, फिर उसके बाद रश कम हो जाता है थोड़ा। फिर शाम को 5 बजे के बाद जो रश चालू होता है ना, उसमें तो आप लोग चढ़ ही नहीं पाओगे कभी, है ना भैया? गाइस क्या आप लोगों का कभी ऐसा मन किया है कि ऐसे लाउड म्यूजिक ईयरफोन पे सुन के और ज़ोर ज़ोर से गाना गाते गाते रोड पे चलो? नहीं किया? मेरा कर रहा है यार। एंड मेरा मन जो करता है ना वो मैं करता हूँ, मैं नहीं सोचता कि दुनिया क्या सोचती है वो। तो अभी हम अपना वन ऑफ माई न्यू फेवरेट सॉन्ग सुनेंगे और गाते गाते जाएंगे। आप लोग एंजॉय करना, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे अपने को क्या फर्क पड़ता है ना। तो अपना न्यू फेवरेट गाना है बेख्याली में, फुल म्यूजिक फुल। आता ही नहीं है गाना, वो गाऊंगा ना जो आता है। पल पल ठहर जाऊं दिल ये संभल जा, कैसे तुम्हें रोका करूं, मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, बाहों में तुम बिन बोले चाहती तुमसे करूं, अगर तुम साथ हो अगर तुम साथ हो। आज के लिए बहुत था इतना गाना। सो गाइस आज के लिए इतना गाना बहुत था, अभी मैं जाता हूँ अपने ऑफिस में। सो गाइस होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यार गाइस मैं इतना सारा मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग कमेंट भी नहीं करते और सब्सक्राइब तो दूर की बात है यार। इस वीडियो को देखते कितना ज़्यादा लाइक मिलेगा, इतनी मेहनत के लिए मेरे को लाइक्स मिलते हैं कि नहीं। और आप मेरे को बताते रहो ना आपको और क्या क्या देखना है, क्या आपका भाई तैयार है, इधर रेडी है, जो कराना है बोलो मेरे को कमेंट पे। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, देन लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस, कमेंट ऑन दिस एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रमोद राउत, याद है ना। चलो बाय, टाटा।